अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अभी इस पार्ट के शुरुआत में हमें बताया जाता है कि किस तरह मार्शल, गिलबर्ट और एलिस ने पिछले साल की हेलोवीन में हैरल्ड नाम की मम्मी को गलती से जिंदा कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने म्यूजियम से मम्मी चुराने वाले चोरों को पुलिस से पकड़वाया। वहीं इस छोटे से फ्लैशबैक के बाद हम प्रेजेंट में आते हैं, जहां मार्शल, गिलबर्ट और एलिस रात के समय मक्के के खेत में होते। तभी उन्हें खेत में कुछ हलचल सुनाई देती है, लेकिन इस बात पर वो लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। यहाँ हम देख पाते हैं कि गिलबर्ट पहले की तरह डरपोक नहीं रहा, और अब वो अपने एडवेंचर्स की वीडियो बनाकर उन्हें इंटरनेट पर अपलोड करके स्कूल में काफी फेमस हो गया है। अब थोड़ा आगे जाने पर उन्हें और भी तेज हलचल सुनाई देती है, और फिर इसी के साथ वहाँ अचानक से एक वेयरवुल्फ आ जाता है, जिसे देखते ही वो तीनों भागने लगते हैं। लेकिन उनकी मुसीबत खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि खेत की दूसरी तरफ से स्केयरक्रो जिंदा होकर उसके सामने आ जाता है, जिसके बाद वहाँ कुछ ज़ॉम्बीज और बहुत सारे मॉन्स्टर्स आकर उन्हें घेर लेते हैं, जो देखकर वो तीनों ज्यादा डर जाते हैं। पर उसी समय वहाँ कुछ लाइट जलने के साथ अनाउंसमेंट होता है कि डरावने मक्के के खेत के बंद होने का समय आ गया है, जिसका मतलब ये कि वो खेत एक थीम पार्क जैसा था, जहाँ लोगों को डराने के लिए कुछ एक्टर्स ने मॉन्स्टर्स की कॉस्ट्यूम पहनी थी। अब जब वो तीनों अपने घर जा रहे थे तो गिलबर्ट मार्शल को अपनी वीडियोस दिखाता है, जबकि एलिस उन्हें बताती है कि इस हेलोवीन के दिन उसके पिता, जो एक गे हैं, वो अपने बॉयफ्रेंड कार्ल से शादी करने जा रहे हैं। दरअसल एलिस की माँ और उसके पिता का भी तलाक हो गया था, जिस कारण उसकी देखभाल उसके पिता माइक ही कर रहे थे, और अब वो अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने वाले हैं। वहीं इन बातों के दौरान हम देख पाते हैं कि गिलबर्ट और एलिस काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं, जिस कारण वो मार्शल को थोड़ा इग्नोर भी कर रहे होते हैं, जिससे मार्शल को उनके साथ होते हुए भी अकेला महसूस होता है। अब ये सीन यही कट होकर बेल्डस्टन म्यूजियम की तरफ मुड़ जाती है, जहां लैरी नाम का म्यूजियम इंचार्ज अपने हॉट डॉग को एक मम्मी के प्लेटफॉर्म के नीचे गिरा देता है, और फिर वो उस हॉट डॉग को नीचे से निकालने के चक्कर में मम्मी के प्लेटफॉर्म को खसका देता है, जिससे वो मम्मी चांद की रोशनी से ठीक नीचे आ जाती है, और ऐसा होते ही उसका एमुलेट चमकने लगता है, जिससे आखिरकार वो मम्मी जिंदा उठती है। दरअसल ये मम्मी सोबेक नाम के शख्स की थी, जो हैरल्ड को अपना दुश्मन मानता था, क्योंकि सोबेक जिस लड़की से प्यार करता था वो हैरल्ड को पसंद करती थी, जिसी कारण से सोबेक ने कसम खाई कि उसे 1000 साल बाद भी हैरल्ड को मारना पड़े तो वो उसे जरूर मारेगा। वहीं लैरी सोबेक को देखकर घबरा जाता है, जिस पर सोबेक उसके हाथ में एक जादुई ब्रेसलेट पहनाकर उसे अपना गुलाम बना लेता है, जिसके बाद वो लैरी की मदद से अपने जादुई शाफ्ट को ढूंढने के लिए निकल जाता है। फिर अगले दिन हम वापस से एलिस, गिलबर्ट और मार्शल को देखते हैं, जहां एलिस मार्शल से बताती है कि बेल्डस्टोन शहर के म्यूजियम से एक मम्मी गायब हो गई है, जिस पर मार्शल कहता है कि बेल्डस्टोन शहर हमारे शहर से काफी दूर है, और यदि कोई मम्मी गायब भी होगी तो इसमें हम चिंता क्यों करें। जिस बात के जवाब में एलिस बताती है कि हमें इसलिए चिंता होनी चाहिए क्योंकि हमारा एक दोस्त भी मम्मी है, जिसे चुराने की कोशिश की गई थी। तब मार्शल एलिस से कहता है कि कुबोट और रेवेन्सवर्थ अब भी जेल में, जिसका मतलब ये कि वो उस मम्मी को नहीं चुरा सकते। तब एलिस बेल्डस्टोन के न्यूज़पेपर की खबर को आगे पढ़कर बताती है कि म्यूजियम में बाहर से अंदर आने की कोई कोशिश नहीं की गई है, जिसका साफ मतलब है कि या तो म्यूजियम के अंदर काम करने वाले किसी शख्स ने उसे गायब किया है, या वो खुद ब खुद जिंदा हो गई, जैसे कि पिछले साल हैरल्ड जिंदा हुआ था। लेकिन ये सब एलिस की थियोरीज थी, इसलिए मार्शल इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता, जबकि गिलबर्ट एलिस के साथ मिलकर अपने वीलॉग्स को एडिट करने लगता है, और फिर दोनों एक बार फिर से मार्शल को इग्नोर करने लगते हैं। दूसरी तरफ लैरी सोबेक से बताता है कि उसने उसके शाफ्ट का पता लगा लिया है, जो किसी जोनाथन नाम के एंटी कलेक्टर के पास है, इसलिए वो दोनों जोनाथन के घर की ओर निकल पड़ते हैं, जबकि इस तरफ बजी, गिलबर्ट, मार्शल और एलिस एक कार से रॉकपोर्ट शहर की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि उसी शहर में एलिस के पिता की शादी होने वाली है। अब सफर के दौरान एलिस अपने दोस्तों से सोबेक के बारे में और भी जानकारी शेयर करते हुए बताते हैं कि 4000 साल पहले सोबेक और हैरल्ड दोस्त हुआ करते थे, लेकिन एक ही लड़की को पसंद करने के कारण उन दोनों की दोस्ती पर बुरा असर पड़ा, जहां आखिर में सोबेक ने हैरल्ड की प्रेमिका को छीनने की कोशिश भी की, और मरते हुए भी उसने हैरल्ड से अपना बदला लेने का फैसला नहीं छोड़ा। वहीं थोड़ी देर बाद वो सभी रॉकपोर्ट शहर के काला होटल पहुंच जाते हैं, जहां एलिस को उसके पिता माइक और माइक के बॉयफ्रेंड कार्ल मिलते हैं, जिनसे कुछ देर बात करके वो चारों यानी कि एलिस, बजी, मार्शल और गिलबर्ट अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन एलिस उन सभी को लेकर एक ज्वेलरी के दुकान पर जाती है। दरअसल एलिस ने इस दुकान पर वेडिंग रिंग्स का ऑर्डर दिया था, जहां बातों ही बातों में गिलबर्ट सोबेक की तस्वीर दिखाता है, जिसकी एमुलेट में लाल रंग का पत्थर लगा था। वो लाल पत्थर देखकर दुकान में काम करने वाला शख्स बताता है कि ये एक रेड जैस्पर है, जिसे प्राचीन इजिप्ट में बुरी शक्तियों का प्रतीक माना जाता था। तब मार्शल उन सभी से कहता है कि यदि सोबेक के गले में भी एक एमुलेट है तो जरूर वो भी चांद की रोशनी में
जिंदा हो गया होगा, और क्योंकि वो हेरल्ड को अपना दुश्मन मानता है इसलिए हमें जल्द से जल्द हेरल्ड को भी जिंदा करना होगा। इसीलिए वो लोग म्यूजियम के गार्ड को चकमा देकर म्यूजियम के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जहाँ उन लोगों को हेरल्ड और उसकी प्रेमिका का मम्मी मिलता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उन बच्चों ने हेरल्ड की प्रेमिका का नाम रोज रखा है। फिर वो लोग आईने की मदद से चांद की रोशनी को मोड़कर उन दोनों के एमलेट पर डालते है, जिससे हेरल्ड और रोज जिंदा उठते है। अब उनके जिंदा होते ही वो लोग हेरल्ड और रोज को सोबे के बारे में बताकर म्यूजियम से बाहर ले जाते है, जबकि दूसरी तरफ लैरी सोबे को लेकर जोनाथन के घर पहुंच चुका था, जहाँ सोबे को अपना शाप मिल ही जाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर कॉलेज होटल की तरफ मुड़ जाती है, जहाँ वो बच्चे हेरल्ड और रोज को अपने कमरे में ले आते है। और उसके अगले दिन जब वो लोग माइक और काल की शादी की तैयारी कर रहे थे, तो रोज और हेरल्ड होटल से बाहर चले जाते है। वहीं आगे हम सोबे को लैरी को रॉकपोर्ट म्यूजियम में देखते है, जहाँ सोबे हेरल्ड को पूरी तरह से खत्म करके रोज को अपने साथ ले जाने आया था। लेकिन वहाँ पर उसे हेरल्ड और रोज की मम्मीज नहीं मिलते, जिस कारण वो लैरी पर गुस्सा करता है। तब लैरी उसे बताता है कि वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, और ऐसा कहकर वो सोबे के साथ हेरल्ड और रोज की तलाशी में निकल जाता है। इधर जब उन बच्चों को पता चलता है कि हेरल्ड और रोज अपने कमरे में नहीं है, तो वो लोग भी उनकी तलाश में निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हेरल्ड और रोज एक हेलोवीन कार्निवल में जाते हैं, जहाँ और भी लोगों ने मम्मी के कॉस्ट्यूम्स पहने हुए थे, जिस कारण सोबे को उन्हें ढूंढने में परेशानी हो रही थी। लेकिन थोड़ा आगे जाने पर उसे उन दोनों की तस्वीर मिलती है, जिसे एक महिला ने कुछ देर पहले ही बनाया था। तब लैरी उस महिला से सवाल करता है कि तुमने जिनकी तस्वीर बनाई है वो कहाँ गए, जिस पर वो महिला उन्हें डांस फ्लोर की तरफ इशारा करती है। यहाँ डांस फ्लोर पर रोज और हेरल्ड डांस करके लोगों का मनोरंजन कर रहे थे, पर इतने में ही वहाँ लैरी और सोबेक आ जाते हैं। तभी वहाँ मार्शल और उसके दोस्त भी आकर सोबेक के हमला करने से पहले ही हेरल्ड और रोज को वहाँ से भगा ले जाते हैं। लेकिन इस सब में एलिस की वेडिंग रिंग्स गिर जाती है, जिससे लैरी को ज्वेलरी की दुकान का पता चल जाता है, जिसके बाद वो लोग ज्वेलरी की दुकान पर जाकर उसे वेडिंग रिंग दिखाते हुए सवाल करते हैं कि इन रिंग्स का ऑर्डर देने वाला शख्स कहाँ रहता है, जिस पर ज्वेलर कहता है कि मैं अपने कस्टमर्स की डिटेल नहीं बता सकता, जो सुनकर अब सोबेक उसे अपने शाफ के जादू से हवा में उड़ा देता है, जिस कारण से ज्वेलर अब मजबूरन उन्हें कालो होटल का पता बता देता है। वहीं कालो होटल में शादी से एक दिन पहले होने वाली पार्टी चल रही थी, जहां सोबे के आ जाने के कारण रोज घबराकर वहां से भागने की कोशिश भी करती है, लेकिन सोबे को उसके गले का एमुलेट निकालकर उसे अपने साथ रखकर बाहर चला जाता है। उसके पीछे हेरल्ड और मार्शल भी आते है, पर सोबे को उसके जादुई शॉट के होते हुए रोक पाना बहुत मुश्किल था, इसलिए हेरल्ड उसे रोक नहीं पाता, उल्टा सोबे की हेरल्ड पर अपने शाफ से वार करके उसे दूर फेंक देता है। अब रोज के अलग हो जाने की वजह से हेरल्ड काफी उदास था, जिस पर अब मार्शल उसे वापस से होटल के कमरे में ले आता है और वादा करता है कि वो लोग अगले दिन रोज को ढूंढ के रहेंगे। वहीं एलिस, जिसने वेडिंग रिंग्स घुमा दी थी, वो उदास होकर खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है, जबकि मार्शल गुस्से में गिलबर्ट से कहता है कि तुम और एलिस स्वार्थी हो गए हो, जिन्हें सिर्फ अपने बारे में ही सोचना है, और आज के दिन रोज सोबे को इसलिए ले जा पाए क्योंकि तुम लोगों का सारा ध्यान या तो व्लॉग बनाने पर था या फिर दूसरी चीजों पर, क्योंकि यदि तुम लोगों ने पहले ही हेरल्ड और रोज पर नजर रखी होती तो वो लोग हेलोवीन कार्निवल में ना जाते और ना ही सोबे को उनका पता चलता। अब ये बातें एलिस भी सुन लेती है, जहाँ उसे ये एहसास हो जाता है कि वो और गिलबर्ट अपने वीलॉग्स और कहानी लिखने में इतने खो गए कि पिछले एक साल से उन्होंने मार्शल पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ना ही उनका बाकी चीजों पर ध्यान था। इसलिए अब अगली ही सुबह एलिस और गिलबर्ट मार्शल से माफी मांगते हैं, जिस पर मार्शल उनसे कहता है कि मैंने पिछली रात को ज्यादा ही बातें कह दी, जिसके बाद अब वो लोग सोचने लगते हैं कि आखिर सुबह एक रोज को लेकर कहां गया होगा। इस पर अब गिलबर्ट एलिस को मार्शल की थियरी बताता है। दरअसल मार्शल का मानना था कि सुबह एक रोज को लेकर किसी ऐसी जगह पर गया होगा जहां उन दोनों के ताबूत को एक दूसरे के बगल रखा जा सके ताकि रोज को हासिल कर पाए, जिस पर एलिस बताती है कि ऐसी एक जगह पास ही में है जो कि एक पुराना वेयर हाउस है, जिसे काफी सालों पहले म्यूजियम का सामान रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसलिए आगे हम उन सभी को रॉकपोर्ट वेयर हाउस में देखते हैं, जहां सोबेक ने अपने ताबूत के बगल में रोज का ताबूत रखवाया था। तभी बजी लैरी के सिर पर एक छोटा पत्थर फेंक कर मारती है, जिससे लैरी वेयर हाउस को चेक करने जाता है कि आखिर वहां कौन आ गया। वहीं लैरी के आते ही वो लोग उसका मुंह और हाथ पैर बांधकर उसके गले में मौजूद रोज का एमुलेट ले लेते हैं, पर अब उनकी मुसीबत ये थी कि उन्हें सोबे को रोज के मम्मी के पास से हटाना था, लेकिन इस काम को लैरी आसान कर देता है क्योंकि उसका मुंह खुल गया था, इसलिए वो सोबे को मदद के लिए पुकारता है। आप सोबे के जाते ही वो लोग रोज के गले में एमुलेट डालकर उसे जिंदा कर देते हैं, लेकिन भाग पाने से पहले ही वहाँ सोबे आकर दो मम्मीज को जिंदा कर देता है। दरअसल ये मम्मीज बॉडीगार्ड्स की थी, जिन्हें लैरी यहाँ लेकर आया था, जिसके बाद वो बॉडीगार्ड्स मम्मीज रोज को पकड़ लेती है। तब गिलबर्ट सीढ़ियों से ऊपर जाकर एक विशाल का एक गोले को उन बॉडीगार्ड्स पर गिराने की योजना बनाता है,
गिलबर्ट हैरोल्ड से कहता है कि वो रोज को कैसी भी गोली के गिरने से पहले हटा दे, और ऐसा कहकर वो अब उस गोले की रस्सी खोल देता है। इधर हैरोल्ड उस विशालकाय गोले के गिरने से पहले रोज को उन बॉडीगार्ड से दूर कर देता है, और अब उन बॉडीगार्ड्स पर भारी भरकम गोला गिरने की वजह से वो दोनों ही मारे जाते हैं। तब आखिर में सोबेक हैरोल्ड को मारने की कोशिश करता है, लेकिन रोज उसके सामने आकर उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो हैरोल्ड से प्यार करती है, इसलिए सोबेक उसको ना मारे। इस पर अब सोबेक लैरी से कहलवाता है कि यदि रोज उसकी ना हुई तो वो रोज और हैरोल्ड दोनों को मार देगा, और ऐसा कहकर सोबेक अपने शाफ से लाल रोशनी निकालता है। लेकिन सही समय पर मार्शल और उसके दोस्त आईने की मदद से उसकी खतरनाक रोशनी को उसी की तरफ मोड़ देते है, जिससे सोबेक हमेशा के लिए मारा जाता है। अब सोबेक के मरते ही लैरी वापस से अपने होश में आ जाता है, जहां अब अपनी जेब चेक करने पर उसे एलिस की वेडिंग रिंग्स मिलती है, जो उसे वापस कर देता है। फिर मूवी के आखिरी सीन में हमें कार्ल और माइक की शादी दिखाई जाती है, जिसकी तुरंत बाद मार्शल, एलिस, गिलबर्ट और बजी हैरल्ड और रोज को म्यूजियम में पहुंचाकर उनसे अलविदा लेते हैं, जिसके बाद वो दोनों फिर से गहरी नींद में सो जाते हैं, और फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये पार्ट 2 भी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।